तो ये वो पॉइंट है, आपको पता होगा जब कयामत आई थी ना तो वो पानी यहीं से उठा था, यानी नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती वाला। आपने वाकया सुन रखा होगा कि जब अल्लाह को सबक सिखाना था और आपको पता होगा जब अल्लाह की तरफ से जो अजाब आया था पूरी कौम पूरी दुनिया में जो पानी आया था वो पानी यहीं से आया था। तो आप देख सकते हैं ये है कूफा मस्जिद और ये मस्जिद जो है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके टाइम की मस्जिद है। ये वो मिंबर है जहां पर हमारे हजरत अली जो है फैसले किया करते थे। जगह जगह हम चल रहे हैं ना, हो सकता है कि जहां मैं मेरा पैर है वहां पर किसी ना किसी नबी के पैर रहे हो। यहां पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो यहां आकर उन्होंने इबादत की। आदम अस्सलाम ये देखिए ये उनका मकाम है, मकाम का मतलब है यहाँ पर आकर उन्होंने इबादत की। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको वो मकाम, ये मकाम देख सकते हो, ये है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जहाँ पर उन्होंने इबादत की। कैसे हो दोस्तों, मैं हूँ इस समय कूफा मस्जिद में इराक में और ये मस्जिद ना बहुत पुरानी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इराक में बताया जाता है कि 70,000 से ज्यादा नबिया ऐसे हैं जो इराक की सरजमी पर भेजे गए अल्लाह की तरफ से। नाम तो बहुत सारों को मेंशन नहीं है बट जिस मस्जिद में मैं हूं ना यहाँ, यहाँ पर बहुत सारे नबी जो हैं और फरिश्ते जो हैं जब आए तो यहाँ पर गुजरे, यहाँ से उन्होंने इबादत करी और उस जगह को चिन्हित कर लिया गया जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये मस्जिद कुफा एक ऐसी मस्जिद है जहाँ पर बहुत सारे जो नबी हैं वो गुजरे हैं, अगर वो यहाँ आए हैं तो यहाँ पर उन्होंने इबादत की है और आज उसी में से कुछ जगह को चिन्हित कर दिया गया है। वो जगह मैं आपको बारी बारी से दिखाने वाला हूँ और आज इस वीडियो में हमारी जो हेल्प कर रहे हैं ना हमारे फाजिल भाई कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? हम अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद कूफा के अंदर हैं जो कि इराक के अंदर। आप देख सकते हैं ये है कूफा मस्जिद और ये मस्जिद जो है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके टाइम की मस्जिद है। और यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि अभी काम चल रहा है और बहुत बड़ी मात्रा में काम चल रहा है। जैसे मैं बता चुका हूँ कि ये वो मिंबर है जहाँ पर हमारे हजरत अली जो है फैसले किया करते थे यहाँ पर। और वो उधर जो एक मेंबर देख रहे हो वहाँ पर एक लेडी का जो है फैसला हुआ था जो कि हजरत अली ने ही किया था। तो ये वो आप जगह है जो मैं दिखा सकता हूँ, हालांकि मैं इससे पहले पहले लोग मैं आपको दिखा भी चुका हूँ। ये देख लीजिए, तो यहाँ पर ना जगह जगह पर ऐसे निशान लगे हुए हैं, चिन्हित कर दिया गया है कि जो इस जगह पर आया है और उन्होंने वहाँ पर इबादत करी है। तो अभी मैं जो लेके चल रहा हूँ ना आपको वो सेकेंड पॉइंट पर लेके चल रहा हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। बहुत बड़ी मस्जिद है और बहुत ही प्यारी मस्जिद है, एक अलग ही यहाँ पर जो है ना नूर आप देखोगे ना अलग ही। आप देखोगे ये जो जगह है जिस जगह को चिन्हित किया गया है ये सन डायल है। पहले के लोग समय जो देखा करते थे, समय को जो नापने का तरीका था उनका वो इस तरह का था। इस पर लिखा हुआ भी है सन डायल और जहाँ इसका प्रतिबिंब जहाँ इसकी छाया पड़ेगी इमेज पड़ेगी उसी से अंदाज़ा लगा लिया जाता था कि इस समय टाइम क्या हो रहा है। जैसे अभी आप देखोगे इधर तो आप मतलब एक जैसे तीन पहर का टाइम है यानी लगभग 3 बजे का टाइम है। ये देखो इसका जो छाया है वो प्रतिबिंब आपको यह इधर नज़र आएगा। इसी बराबर में अगला पॉइंट जो है ये है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने यहाँ पर इबादत करी, ये देखिए। और आज यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी नमाज़ पढ़ रहे हैं, जो भी आता है वो 2 रकात नफिल पढ़ता है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने जो है इबादत की थी। अब मैं आपको जो है अगला पॉइंट दिखाता हूँ। ये जगह वाकई में ना बहुत ही प्यारी जगह है। सोचिए जगह जगह हम चल रहे हैं ना, हो सकता है कि जहाँ मैं मेरा पैर है वहाँ पर किसी ना किसी नबी के पैर रहे हों। तो मैंने आपको 2 पॉइंट दिखा दिए, अब मैं आपको तीसरा पॉइंट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप तीसरा पॉइंट जो देखेंगे ना वो सामने जो जगह चिन्हित है यहाँ पर जिब्राइल इस्लाम जो कि फरिश्ते वो यहाँ आकर उन्होंने इबादत की और इस जगह को चिन्हित कर दिया गया। ये देखिए ये आप देख सकते हो ये यहाँ का तीसरा पॉइंट है जहाँ पर जिब्राइल इस्लाम जो है आए और उन्होंने इबादत की। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो पॉइंट दिख रहा हूँ ये वो पुरानी मस्जिद है कूफा मस्जिद, सबसे पहली और पुरानी मस्जिद यही है। ये जो बनी है वो नई बनी है, ये वाली पुरानी मस्जिद है। और इस मस्जिद में है हजरत अली वहाँ पर नमाज़ पढ़ाने के लिए आए थे और वहाँ पे उनको शहीद कर दिया गया, जो इससे पहले वाले मैं ब्लॉग में बता चुका हूँ डिटेल के साथ। तो ये पुरानी मस्जिद है कूफा मस्जिद की इतना हिस्सा, बाकी नई मस्जिद जो है वो इधर है। तो आप देख सकते हो ये है यहाँ की नई मस्जिद कूफा मस्जिद। अभी मैं आपको एक जगह और दिखाऊंगा जिस जगह को चिन्हित किया गया, ये आप नई मस्जिद देख सकते हो। और यहाँ पर देखो जहाँ पर लोग नमाज़ अदा कर रहे हैं ना, ये है आदम अस्सलाम, ये देखिए ये उनका मकाम है। मकाम का मतलब है यहाँ पर आकर उन्होंने इबादत की, यहाँ पर आकर वो ठहरे। ये देखिए तो लिखा हुआ भी है, आप पढ़ सकते हो, हजरत आदम अस्सलाम यहाँ पर उन्होंने जो है इबादत की थी, ये उनका मकाम है। अभी मैं जो लेके चल रहा हूँ ना आपको वो और लेके चल रहा हूँ, यहाँ पर 2-3 पॉइंट और है जो मैं अभी आपको
दिखाऊंगा। तो अभी एक पॉइंट और है मैं दिखाने वाला हूँ आपको। देखो जो वो रास्ता है ना, यहाँ से एंट्री होती है और इस मस्जिद में अभी काम चल रहा है ये, और आने वाले समय में बहुत बेहतर होने वाली है। तो अभी मैं जो मकाम दिखाने वाला हूँ ना, वो दिखाने वाला हूँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनका जो है मकाम दिखाने वाला हूँ मैं आपको। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको वो मकाम। ये मकाम देख सकते हो, ये है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, जहाँ पर उन्होंने इबादत की, ये उनका मकाम है। और ये आप देख सकते हो। अभी एक और नबी का मकाम दिखाता हूँ आपको, वो आगे है। तो अभी जो मैं आपको मकाम दिखाने वाला हूँ, ये है हजरत खिदरी अलैहिस्सलाम, ये आप उनका मकाम देख सकते हो। ये देखिए, आप खुद समझो कि ये जगह कितनी मुकद्दस है। यहाँ जो भी नबी आए उनका मकाम रहा, उन्होंने यहाँ पर नमाज़ पढ़ी। तो आप देख सकते हो, ये है खिदरी अलैहिस्सलाम का मकाम। और इसी तरह पर जगह जगह पर यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। अब जो मेन जगह है ना, पॉइंट, मैं वो दिखाना चाहता हूँ। ये पॉइंट है ये वाला, ये जो रोज़ा देख रहा हूँ ना, ये है हजरत इमाम मुस्लिम, उनका रोज़ा मुबारक है, उनको भी शहीद कर दिया गया। और इनके जो दो शहजादे यानी दो लड़के, जब हम करबला से आए थे, मैंने वो ब्लॉग बनाया था कि आखिरकार मैं करबला आ गया, तो वहाँ पर एक लड़का 5 साल का, एक 7 साल का, उनको वहाँ पर जो है वो आराम कर रहे हैं, वहाँ पर उनके मकाम है दोनों के। तो ये जो है ना, इसकी हिस्ट्री बहुत अलग है। आपको पता होगा जब कयामत आई थी ना, तो वो पानी यहीं से उठा था, यानी नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती वाला। आपने वाकया सुना कहा होगा कि जब अल्लाह को जो है सबक सिखाना था, और आपको पता होगा जब अल्लाह की तरफ से जो अजाब आया था पूरी कौम, पूरी दुनिया में जो पानी आया था, वो पानी यहीं से आया था, वो जो बुलबुला है वो यहाँ से उठा था। और इस जगह का नाम है मस्जिद कूफा, वहीं पर ये निशान चिन्हित कर दिया गया है, ये देखिए। तो बताते हैं कि जो कश्ती में बैठा वो ही बच पाए, जो कश्ती में नहीं बैठे वो लोग जो है उनका बेड़ा गर्क हो गया, नस्ते नमूद हो गए। तो ये वो वही पॉइंट है जो आप देख सकते हैं, यानी जो कयामत आई थी। ये देख लीजिए, ये मस्जिद कूफा में है, ये देखिए। अभी मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट दिखाता हूँ आपको। अभी मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ की जो मौजूदा मस्जिद है, नई मस्जिद जो बनी है, वो दिखाने वाला हूँ। देखो ये जो मस्जिद है, ये वो पुराना हिस्सा है जो उस समय मस्जिद हुआ करती थी, और ये तो सब बाद में मस्जिद बनी है ये वाली पूरी। तो मैं यहाँ से अंदर से दिखाता हूँ, और बहुत ही प्यारी मस्जिद है ये। तो यहाँ से आप देख सकते हो, इस पर जो टोटल काम हुआ है ना, वो लकड़ी का काम हुआ है, टोटल लकड़ी का काम हुआ है। पिलर देखो कितने मजबूत हैं, ये मिंबर है, और यहाँ से ये देखिए आप पूरा, ये आप देख सकते हो। इराक में तो खैर मस्जिद बहुत ही अच्छी होती हैं, और इराक क्या, जब इजिप्ट हम जॉर्डन गए थे, वहाँ की मस्जिद भी बहुत प्यारी थी। बट ये मस्जिद, इसका जो मकाम है वो बहुत अलग है, क्योंकि यहाँ पर बहुत, मैं कह रहा हूँ, हर कदम पर किसी न किसी हमारे नबी का पैर जरूर रखा हुआ है। अभी मैं आपको उस साइड को लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि वो जहाँ पर ये घड़ी लग रही है ना, उधर भी जो है मस्जिद है, उधर लेकर जा रहा हूँ आपको। तो अभी इसका एक पोर्शन और है ये वाला, जहाँ हम जाने वाले। यहाँ से इसका ये व्यू दिखाई देता है, वो देखो इस तरह दिखाई देता है मस्जिद का, ये देखिए। और इसी साइड में जो है हजरत अली का घर है, जहाँ पर मस्जिद, जहाँ पर वो शहीद किए गए थे ना, उधर ही घर है। तो अगर आपने ब्लॉग नहीं देखा हो, तो इससे पहले वाला ब्लॉग देख सकते हो, जहाँ मैंने आपको हजरत अली का घर दिखाया था। यहाँ भी इसके कई सारे गेट हैं, एक गेट उधर है उधर से, और एक गेट ये वाला है, एक गेट जो है ये वाला है तीसरा, और एक आगे से चौथा वाला। अभी हम इसी गेट से जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो आप देखोगे ना, राइट साइड पर ये जो रोज़ा है, ये इमाम मुस्लिम उनका रोज़ा है, जो मैंने पिछले वाले ब्लॉग में दिखाया आपको। और ये देखिए टोटल गोल्ड लगा हुआ है पूरा का पूरा। तो ये जो आप रोज़ा देख रहे हो ना, ये भी हजरत अली उनके सहाबा वाला, उनके टाइम के साथ ही उनका ये रोज़ा है। और अभी मैं इधर लेकर चल रहा हूँ आपको, और ये देखिए कितनी शानदार, कितनी प्यारी मस्जिद है। मतलब ये हिस्सा और बाद में बनाया गया है, ये देखिए बहुत बड़ा हिस्सा है ये देखिए, और ये देखिए बाकी मैं यार गज़ब। और मैं लग रहा है कुछ पोर्शन ऐसे हैं जिसके अभी ओपन भी नहीं हुए हैं। ये उधर से मार्केट आ गई ये पूरा घूमकर, और इधर से भी एक रास्ता आ गया, और इधर से भी रास्ता आ गया, ये शायद रोज़े वाला रास्ता है ये वाला। तो ये मैंने आपको फुल व्यू जो दिया है ना, वो दिया है आपको मस्जिद कूफा का। ये जो आप रोज़ा देख रहे हैं ना ऊपर, ये देखिए सीढ़ी चढ़ी हुई देखिए, मतलब काम जो किया है ना यहाँ पर, वो A1 किया है।
एक नंबर काम किया है पूरा। ये मैंने आपको मस्जिद का फुल व्यू दिया था और ये कूफा मस्जिद है। जब आप नजफ़ जाते हैं तो नजफ़ यहाँ से 10-12 किलोमीटर रह गया होगा। नजफ़ वो जगह है जहाँ पर हजरत अली उनका मकाम है और वहीं पर जो है बताते हैं कि बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, वो मैं आपको दिखाऊंगा। इस सीरीज़ में बने रहें, इराक की सीरीज चल रही है। अगर आप सारे के सारे ब्लॉग देखेंगे ना तो आप रिदम समझ पाएंगे किस तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टोरी उठाई है। और देखो मैं बच्चा हूँ, गलतियाँ होती रहती हैं, मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं है। और आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारा फेसबुक पेज है अरबाज़ ब्लॉग का, वहाँ भी आकर आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब पर जाएंगे ना तो वहाँ पर चैनल हमारा अरबाज़ ब्लॉग, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अल्लाह हाफिज़, अपने ख्याल रखें।